हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। अब हम देखेंगे, आज कल हमने पढ़ा था बेसिक किसके बारे में, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में सीखा था। ठीक है, तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आज अगर हम आगे बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक तो हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जो डिस्टेंस का आपका मैग्नीट्यूड होता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज स्लाइटली मोर देन दी और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। आपको जो पीडीएफ कल हमने समझाया था मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, उसको एक बार वापस से देख लेते हैं क्या देखा था हमने। देखो, तो हमने ऐसे कुछ पढ़ा था, ये आपको केसेस बताए थे मैंने, कंडीशंस बताई थी। तो देखिए, एक कंडीशन तो आपकी ये बनी थी, ये पहली ये वाली कंडीशन को हम थोड़ा सा विजुलाइज कर रहे हैं, ध्यान दें। इस केस में देखो, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल हैं। जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। इस केस में देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक मोर देन द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। एक बात, दूसरी बात आप समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। एट इधर देखें आप, डिस्टेंस को देखें 16, इधर देखें आप डिस्टेंस को देखें तो 0, डिस्टेंस को देखें 5, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है, ठीक है, इधर आप देखें तो पॉजिटिव है इस वाले केस में, इस वाले केस में देखें तो नेगेटिव है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। अब हम इसमें आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक क्या हमारा, डिफरेंस पढ़ना है हमको, किस किस में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमने टॉपिक लिखा आज का क्या, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ना है। वी हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंस क्या क्या होंगे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है, डिफरेंस लिखने का जो तरीका है वो आप क्या करेंगे, एक साइड तो आप डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस, और सेकेंड साइड आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिखेंगे और दूसरी साइड आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात डिस्टेंस क्या होती है, तो द लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली कवर्ड बाय द बॉडी, द लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअली कवर्ड बाय, एक्चुअली कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, क्या बताया, लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं इसी में, तो देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर जो सेकंड डिफरेंस आता है दोनों में, सेकंड डिफरेंस क्या आता है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है तो हम कहेंगे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है तो हम लिखेंगे इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड है इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, डिस्टेंस जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है, जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या लिखा, इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है पाथ फॉलोड बाय बॉडी जो मतलब पाथ को फॉलो कर रही है बॉडी, एक्चुअल पाथ पे मूव कर रही है उस पर डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बट it does not depend on पाथ फॉलोड बाय बॉडी। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी किस पाथ पर मूव कर रही है। फिर देखिए, ये कुछ बेसिक इसमें डिफरेंस थे, कुछ और बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं इसके बाद। तो देखिए नेक्स्ट, इसमें अगर हम आगे देखें तो ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, the magnitude of distance is always positive। जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आएगा। फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो नेक्स्ट क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इसकी जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है या क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा तो हम क्या लिखेंगे, the magnitude of distance is always equal to the magnitude of distance is always equal to or is always equal to or more than the displacement। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। इधर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इज ऑलवेज इक्वल टू और ऑलवेज इक्वल टू और इक्वल टू और
लेस देन द और लेस देन द इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस और लेस देन द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन द डिस्टेंस। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसके बाद हम इसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन फिगर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर व्हेन बॉडी मूव्स, व्हेन बॉडी मूव्स पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी टू क्यू। सेकेंड कंडीशन क्या है, क्यू टू आर। नेक्स्ट है पी टू क्यू क्यू टू आर। नेक्स्ट है आर टू एस और डी है रिटर्न बैक टू क्यू। वापस कहाँ पे आ जाए, क्यू पर आ जाए। तो देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको एक ये फिगर गिवन है, ये इसका सेंटर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में ऐसे क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, क्वार्टर पार्ट्स बना दिए इसके। ठीक है, इस तरह से इसके क्या किया हमने, क्वार्टर पार्ट बना दिए। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट को हमने ये कहा है Q, P, Q, R और ये S, ये पॉइंट हो गए। आपसे कहा है रेडियस है जो, इट इज़ रेडियस R, और आप कोई वैल्यू लेना चाहें तो R की जगह आप वैल्यू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अगर तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू, बॉडी कैसे मूव कर रही है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर मूव कर रही है। सो व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, केस वन फर्स्ट, पहले में क्या है, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, जब बॉडी जो है वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर मूव करे, तो पी से क्यू पर मूव करे, सो हम क्या लिखेंगे, पहले डिस्टेंस, पहले बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर एक्चुअली कवर्ड कर रही है जिस पाथ को, उसको डिस्टेंस कहेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन करवा दिया, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, और जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी जो एक्चुअल ये वाला पाथ फॉलो कर रही है बॉडी, ये वाला जो पाथ है, ये आपका 1/4 क्वार्टर है जो, ये कहलाएगा आपका क्या डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू, ये फोर्थ पार्ट है तो हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 times into circumference of circle into circumference of circle, ठीक है, 1/4 into circumference of circle, ये डिस्टेंस आ जाएगी।
और अगर ये डिस्टेंस आ जाएगी तो हम इसमें क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे 1/4, और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। अब इसको हमने सोल्व किया तो ये हो जाएगा, दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस को लिखोगे πr/2। ये तो आ गई डिस्टेंस, क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट P से Q के बीच में, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो हम आपको डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन कर लेंगे, ये हो गया। तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या लिया, पी ओ क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें अगर आप, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है आर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी क्या है आर, ठीक है। तो पी क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 2r² बन जाएगा। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ जाएगी आपके पास √2r². तो इसको फाइनली सॉल्व किया तो जो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आ जाएगा, √2r। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या आ गई, πr/2। बात क्लियर है, एक कंडीशन। फिर देखिए सेकंड कंडीशन में, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखिए पी टू क्यू के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये हटा दिया ठीक है, और ये भी हटा दिया क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट ये नहीं चाहिए, इतना नहीं आएगा। अब व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू के बाद हमने लिखा, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम कैसे मूव कर रही है, क्यू टू आर, कैसे मूव कर रही है, क्यू टू आर, पहले पी से क्यू और क्यू टू आर, क्यू टू आर तो सेम ही आ जाएगा, आर टू एस में भी सेम कंडीशन होगी, और रिटर्न बैक टू, अगेन रिटर्न बैक टू क्यू, ठीक है, वापस क्यू पर आ जाएगी तो भी इतना ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक्चुअली मैं आपको जो देना चाह रहा था वो पी टू क्यू, पी टू आर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी टू आर, थोड़ा सा चेंज कर लें इसको, पी टू आर और पी टू एस और अगेन रिटर्न बैक टू पी, ऐसे है। तो क्या लिखा, पी टू क्यू, पी टू आर और पी टू एस और अगेन रिटर्न बैक टू पी, ये है बात। सो व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम, कैसे मूव कर रही है, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पी टू आर, मूव्स फ्रॉम पी टू आर, पी टू आर मूव कर रही है तो डिस्टेंस हाफ सरकमफ्रेंस हो गई है, ये कितना हो गया, सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट हो गया, 1/2 पार्ट हो गया, हाफ पार्ट हो गया, मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1/2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, 1/2, और सरकमफ्रेंस क्या हो गई, 2πr, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी, πr। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधे कनेक्ट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा कितना, r + r, मतलब टोटल कितना, 2r। तो इसमें तो सिंपल केस बन गया पी टू आर में, तो ये पाई आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पी टू आर हो गया, पी टू एस, पी टू एस पी से मूव करना शुरू करता है, वो पी से चलता है ऐसे इस तरह से, और कहाँ मूव करते करते कहाँ पहुँच जाता है, ये पॉइंट एस पर आ जाता है, पी से मूव करना शुरू करता है और कहाँ जाता है, एस पॉइंट पर आ जाता है। अगर ये पी टू एस मूव कर रहा है तो देखिए उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो पी टू हमने लिख दिया पी टू एस, पी टू एस, पी टू पी से चला और कहाँ पहुँचा, एस पर पहुँचा, पी टू एस है तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल है उसका कितना पार्ट पूरा हो गया, 3/4 पार्ट पूरा हो गया।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/4 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो कितना है 2πr है। अब अगर ये 2πr है तो हमने इसको सॉल्व किया तो दो बार कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा कितना 3/2 इंटू पाई आर। ये हमको डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमने क्या किया, P को S से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही आपने इसको P और S को आपस में कनेक्ट किया, P को किससे कनेक्ट कर दिया, S से, ये P और S को आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। सो हमने क्या लिखा, जैसे आपने P को, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या पी ओ एस, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ एस, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया कौन सा पी ओ एस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई, पी एस स्क्वायर हो गई, इक्वल टू बेस आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये भी आर स्क्वायर। इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी रूट टू आर स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो फाइनली क्या बनेगा, अंडर रूट टू आर, दिस इज योर आंसर। अगेन रिटर्न बैक टू पी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।